कहते हैं कि जब कोई महिला माँ बनती है तो वो उसका दूसरा जन्म होता है। माँ बनना जिंदगी का सबसे सुखद और खूबसूरत अनुभव होता है। बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में पालने के बाद उसको अपने सामने पाना जन्म देने के समय हुए सभी दुख दर्द को एक ही पल में भुला देता है। ऐसे में अगर बच्चा पैदा होते ही आपको आपकी अहमियत बयां कर दे तो ये पल भावुक तो होता ही है, साथ ही जिंदगी भर के लिए यादगार लम्हा भी बन जाता है। ब्राज़ील में एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब एक बच्चे ने पैदा होते ही अपनी मां को गले लगा लिया और उसके मुंह से लिपटकर चूमने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगाता रिबेरिया कोलो नाम की इस बच्ची ने अपनी मां ब्रेंडा की कोक से 5 मई को जन्म लिया और दुनिया में आते ही पहले कदम से ही अगाता ने जता दिया कि वो अपनी माँ को कितना प्यार करती है। ये क्षण भावुक तो था ही, लेकिन देखने वाले अगाता से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। सब हैरान थे कि कैसे ये बच्ची अपनी माँ से दूर जाने को तैयार ही नहीं है। डॉक्टर्स ने तो उसे माँ से दूर ले जाने की कोशिश भी की तो वो अपनी माँ से और ज़ोर से लिपट गई और माँ के चेहरे को चूमने लगी। बेटी को देखकर भावुक हुई माँ ब्रेंडा का कहना था कि अपनी फीलिंग जाहिर कर पाना मुश्किल है। ये पल मेरे लिए एक सुखद और यादगार पल है। इस पल ने मेरी सारी तकलीफों को भुला दिया। ये तस्वीरें खूब देखी और पसंद की जा रही हैं। सभी बच्ची के इस व्यवहार को देखकर हैरान हैं। दोस्तों, एक नवजात बच्ची और माँ के बीच की यह आत्मीयता देखकर आपको कैसा लगा, आप भी कमेंट कर ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।